बढ़ते आगे रुक लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप विधायक दुर्गेश पाठक को समन भेजा गया है। ईडी ने आज दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने दुर्गेश पाठक को समन भेजा है, दोपहर में 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब लगातार आम आदमी पार्टी के नेता गिरते जा रहे हैं और अब विधायक दुर्गेश पाठक पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है, दोपहर में 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार इस तरह की बातें की जा चुकी हैं कि अब बचे हुए आप नेताओं को भी टारगेट किया जाएगा। दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और उनके साथ साथ कई और बड़े बड़े नेताओं का नाम भी इसमें शामिल किया गया। हाल ही में दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है, जिसके बाद एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बेबुनियादी भी बताया गया। वहीं हाल ही में आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उन पर और सौरभ भारद्वाज के साथ साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा पर भी गाज गिर सकती है। हालांकि ईडी की तरफ से आरोप ये लगाया गया था, कहा यह गया था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में साफ तौर पर कहा कि जो विजय नायर है वो उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से शुरू हो गए, सियासत और गरमाती चली गई। उसके बाद आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी सिर्फ सौरभ भारद्वाज और आतिशी ही नहीं बल्कि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा पर भी गाज गिरने वाली है, इन्हें भी समन भेजा जा सकता है। और अब एक बार फिर से आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक को ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दुर्गेश पाठक को समन भेजा, दोपहर में 2 बजे का समय दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि अगला कदम आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। तो आप विधायक दुर्गेश पाठक को समन भेजा गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। हाल ही में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब एक बार फिर से ईडी के शिकंजे में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक आते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने समन भेजा है, दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, दोपहर का 2 बजे का समय दिया गया है जब ईडी उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि दुर्गेश पाठक समन पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। रिया, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई हैं। रिया, आप विधायकों की मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जांच के घेरे में है। ईडी ने इस बार दुर्गेश पाठक को समन भेजा है, दोपहर में 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। कि आम आदमी पार्टी के कई सारे जो नेता हैं उनके ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, और इसी कड़ी में जो दुर्गेश पाठक है आप नेता, उनके यहाँ पर भी जो ईडी है उसका समन जारी किया गया है। लगभग 2 बजे का समय बताया है जब उनसे ईडी जो है पूछताछ करेगी, और वहीं पर अरविंद केजरीवाल के जो सचिव है, जो पर्सनल सचिव है विभव कुमार, उनसे भी ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि संदीप जो पाठक है वो गोवा के जो इलेक्शन है उसके इंचार्ज बताए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ईडी ने अब तक जो आरोप लगाए उनमें ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी ने जो बड़ा घोटाला है वो कहीं ना कहीं पर गोवा के जो चुनाव है उनमें करोड़ों का किया था। इस तरीके की जो संशय है वो लगातार ईडी के माध्यम से बताई जा रही थी, और यही वजह है कि दोबारा से अब कहीं ना कहीं पर ईडी के जो आप नेता हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और जैसे जैसे देखिए पूछताछ का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे लगातार नए नए खुलासे आ रहे हैं, और कई सारे जो आप नेता हैं वो भी इन दायरों में आते नजर आ रहे हैं। जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं पर फंस रहे हैं, क्योंकि संदीप पाठक की बात करें या फिर उसके अलावा विभव कुमार की बात करें तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे जो ईडी का समन है वो इससे पहले भी कई सारे जो आपके नेता हैं उन तक जा चुका है, लेकिन अभी तक जितने भी समन जारी किए गए उनको लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार यही कहा है, क्योंकि चुनावी सफर ये चल रहा है, चुनावी साल ये चल रहा है, और ऐसे में इसी वजह से जो बीजेपी है, बीजेपी की वजह से जो ईडी है इस तरीके के समन को जारी कर आपके जो तमाम नेता हैं उनको इस घोटाले में फंसा रही है और फंसा
फंसाकर इस तरीके के जो अवैध समन है उसको जारी किया जा रहा है। अब तक इसी तरीके के जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको रखा जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं संजय सिंह, उनका बाहर आना और उसके बाद फिर अब कहीं ना कहीं पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इन सभी का नाम जो है वो कहीं ना कहीं पर घोटाले में लिया जा रहा है। और अब इसके बाद संदीप पाठक को ईडी का इस तरीके से समन जाना, विभव कुमार से लगातार पूछताछ होना, ये कहीं ना कहीं पर दिखाता है कि इस चुनावी साल में अब आम आदमी पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं बच रहा है जिस पर कि घोटाले की आंच ना गिरी हो। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पर आरोपित नजर आ रही है, जिस तरह से जो प्रस्तुति हो रही है, तो ऐसे में अब लोगों के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है और खुद आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया है कि आखिर वो इन समन का और जो ये पूछताछ का दायरा है उनका किस तरीके से जवाब दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।